Yeah. Oh my god. हमारी सारी टेक्नोलॉजी तब धरी रह जाती है जब कुदरत अपने करतब दिखाने पर उतर आती है। कई बार तो ऐसी अचंभे वाली घटनाएं घट जाती हैं, जिनकी वजह ढूंढने में वैज्ञानिकों के भी पसीने छूट गए। कुदरत ने अपने करिश्मों से कई बार वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाला है। द वायरल नामा ने ऐसी हैरत अंगेज घटनाओं पर अब तक 7 पार्ट्स बनाए हैं, जिन्हें आप सब ने भर भर कर प्यार दिया है। आपके इसी प्यार को देखते हुए हम एक बार फिर आपके लिए लाए हैं नेचुरल फिनोमिना सीरीज का पार्ट 8। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो चाइना का बताया जा रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क पर कुछ गाड़ियां आ जा रही हैं। इसी बीच ये दो कारें जैसे ही जेब्रा क्रॉसिंग के पास पहुंचती है, वे अचानक से हवा में उड़ जाती हैं, जिसके बाद पीछे से आ रही एक गाड़ी अचानक से रुक जाती है। कारों के इस तरह हवा में उड़ने का ये वीडियो जिसने भी देखा वो दंग रह गया। किसी ने इसके पीछे किसी अदृश्य शक्ति का हाथ बताया तो किसी ने इसके पीछे मैग्नेटिक फील्ड के लॉजिक को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि सच क्या है यह आज तक किसी को मालूम नहीं चल पाया है। चाइना के इस एक और वीडियो के पीछे का सच भी एक रहस्य ही है। आप देख सकते हैं कि ये फौजी एक खाली कैन को इस गड्ढे में डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कैन हर बार अपने आप बाहर आ जाती है। आखिर कैन इस गड्ढे में क्यों नहीं गिर रही, इसके पीछे की वजह किसी को मालूम नहीं। यहाँ इस जहाज पर खड़े लोगों के सिर के बाल अचानक खड़े होने लगे। ये देखकर सबको बड़ा फनी लग रहा था। ठीक ऐसा ही इस रेतीले टीले पर एंजॉय करने आए लोगों के साथ भी हुआ। उनके बाल भी अचानक खड़े होने लगे, जिसे देख इनके साथी ये कहते हुए हंसने लगे कि देखो इनके बाल कैसे खड़े हो गए हैं। लेकिन उन लोगों को क्या मालूम था कि अगले कुछ पलों में ही कुछ अनहोनी होने वाली है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है और उसके ठीक सामने आकाशीय बिजली गिरती है। गनीमत रही कि ये लोग हादसे का शिकार होने से बच गए। दरअसल जहां आकाशीय बिजली गिरती है उस एरिया में मौजूद लोगों के बाल नेगेटिव चार्ज के कारण खड़े हो रहे थे। लोग इस संकेत को समझ नहीं पाते और हादसे का शिकार हो जाते हैं। जब बिजली गिरने वाली होती है तब हाथों में पसीना आने लगता है, सिर के बाल खड़े होने लगते हैं और मुंह में चुंबक का टेस्ट आने लगता है। इसका मतलब यह है कि आकाशीय बिजली अपने नेगेटिव चार्ज से आपकी बॉडी के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रही है। ऐसा महसूस होते ही फौरन किसी घर, कार या बंद जगह पर चले जाएं। कुछ भी ना दिखे तो हाथ और घुटने को समेटकर कुछ इस तरह बैठ जाएं। और हाँ, भीगी जगह, पेड़, वाटर बॉडी या मेटल ऑब्जेक्ट से खास तौर पर दूर रहें। वैसे आकाशीय बिजली गिरने के बाद क्या होता है ये जानने के लिए ये वीडियो देख लीजिए। ये पेड़ ऐसी ही आसमानी बिजली का शिकार हुआ है। हैरानी की बात यह है कि बिजली ने पेड़ को सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी लपेटे में ले लिया है। पेड़ के अंदर आग की लपटें धधकती देखी जा सकती हैं। ऐसे ही लाइटनिंग के शिकार एक और पेड़ को जब काटा गया तो उसके अंदर कुछ ऐसा मंजर दिखाई पड़ा। पूरा पेड़ आग की लपटों से जलकर खोखला हो चुका था। एक और वीडियो में पेड़ के नीचे का सारा हिस्सा जल गया मगर ऊपरी हिस्सा अभी भी खड़ा ही है। यह घटना लखीमपुर खीरी में मोहम्मद तहसील के बेला पहाड़ा गांव के पास के जंगल की है, जहां करीब 2 हेक्टेयर जमीन के नीचे आग की लपटें निकलती दिखाई दी। इस हैरान कर देने वाले वाकये ने लोगों को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जमीन के नीचे इतनी तादाद में आग कैसे लग गई। फिर लोगों को लगा कि हो सकता है यह आग ज्वालामुखी या प्राकृतिक आपदा के चलते लगी हो, लेकिन वन विभाग की टीम ने ऐसा कुछ होने से मना कर दिया। फिर जांच में पता चला कि किसी जमाने में यहां से गोमती नदी का कटान था और कुछ साल पहले इस नदी के पानी ने अपना रास्ता बदल लिया था, जिसकी वजह से इस खाली जगह में जंगल का कचरा भर गया और समय के साथ इस कचरे पर मिट्टी की परत जम गई।
फिर जब यहाँ भीषण गर्मी पड़ी तो इस कचरे ने आग पकड़ ली, जो हैरानी का विषय बन गया। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 1500 लाइक्स तो जरूर मिले। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव करते हैं तो हम आपके लिए लाएंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो इसी बात पर अभी ठोक दीजिए अपना लाइक। कुदरत का एक करिश्मा 2015 में इराक के रेगिस्तान में भी दिखा, जहां रेत अचानक एक नदी की तरह बहने लगी। इस बात पर एक बार की तो यकीन ही नहीं होता, लेकिन ये वीडियो इसके सच की तस्दीक करता है। देखिए कैसे रेत बकायदा पानी की तरह बहती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल उठता है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। तो आपको बता दें कि रेगिस्तानी इलाके में कई बार जब तेज बारिश के साथ ओले गिरते हैं तो यहाँ का तापमान बहुत कम हो जाता है, जिसके बाद ये ओले रेत के साथ मिल जाते हैं। रेत के कण चिपकने के बाद जब ये ओले फिसलते हैं तो ऐसा लगता है मानो रेत बह रही हो। अब जरा इस पेड़ को देखिए, जिसके तने से पानी का फव्वारा छूट रहा है। ये सीन देख हैरान होने की जरूरत नहीं। दरअसल टर्मिनिलिया प्रजाति के ये पेड़ दक्षिण भारत के जंगलों में पाए जाते हैं। इनके तनों में शुष्क मौसम के दौरान पानी जमा करने की क्षमता होती है। अब जब इनके तने पर कट लग जाते हैं तो वहां से पानी की तेज धार निकलती है। यहाँ के आदिवासी लोग इस पानी का इस्तेमाल अपनी प्यास बुझाने के लिए भी करते हैं। कहते हैं कि पशु पक्षियों को किसी प्राकृतिक अनोनी का पहले ही अंदेशा हो जाता है। ये वीडियो इसी बात की गवाही देता है, जो जापान में आए भूकंप के कुछ मिनट पहले का है। इस वीडियो में सैकड़ों पक्षी अचानक घबराकर इधर उधर उड़ते दिख रहे हैं और शोर मचाने लगे हैं। बताया जाता है कि थोड़ी देर बाद ही यहाँ जबरदस्त भूकंप के झटके आए थे। शायद इन पक्षियों को भी आने वाले भूकंप का पहले ही अंदेशा हो गया होगा। कनाडा के वैंकूवर के पास घटी इस घटना ने लोगों का दिमाग ही घुमा डाला। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा पक्षी आसमान में उड़ते उड़ते स्टैचू बन चुका है। वो ना तो आगे बढ़ रहा है और ना ही नीचे गिर रहा है, और तो और इसे किसी चीज का सपोर्ट भी नहीं है। ये बस एक ही जगह पर स्टैचू बनकर अटका हुआ है। यहाँ मौजूद लोग कयास लगा लगा कर थक गए, लेकिन कोई पता नहीं लगा पाया कि आखिर इस पक्षी के साथ ऐसा क्या हो गया है। ऐसा ही एक वीडियो जुलाई 2023 में भी सामने आया था, जिसमें एक महिला सड़क पर चलते चलते कुछ सेकंड के लिए अचानक स्टैचू हो जाती है। यहाँ तक कि महिला की चोटी भी जहाँ होती है वहीं ठहर जाती है, और थोड़ी देर बाद ये महिला पहले की तरह चलने लगती है। इस घटना के पीछे क्या वजह रही, वैज्ञानिक इसकी वजह नहीं ढूंढ पाए हैं। वैसे लोग इस घटना को टाइम ट्रेवल से जोड़कर देख रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए एंटरटेनिंग वीडियोस बनाने में हमें हफ्तों की मेहनत लगती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके अपनी बेशकीमती राय जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमें सुपर थैंक्स देकर भी सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा ही एक और रहस्य आप यहाँ भी देख सकते हैं, जहाँ बारिश की बूंदों को एक ही गाड़ी पर यानी एक ही जगह होते हुए देख सकते हैं। गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि बाकी गाड़ियों पर एक भी बूंद नहीं गिरी है। इस रेन को अल्ट्रा लॉर्डलाइज्ड रेन कहा जाता है। वैसे ऐसा नजारा बहुत ही कम देखने को मिलता है। दोस्तों, प्रकृति के रहस्यों से जब पर्दा उठता है तो देखने वालों के होश फाख्ता हो जाते हैं। ऐसा ही एक राज हम यहाँ बेपर्दा करने जा रहे हैं। जरा देखिए तो इस पत्थर के भीतर से ये क्या चमक रहा है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे पत्थर के अंदर बिजली दौड़ रही है। कुदरत का ये राज किसी को भी सकते में डाल दे। अमेरिका के दक्षिण डकोटा राज्य का आसमान अचानक हरे रंग का हो गया, जिसे देखकर लोगों में दहशत फैल गई। हर कोई ये सवाल पूछे जा रहा था कि अचानक आसमान को ये क्या हुआ, इसका रंग हरा कैसे हो गया। लेकिन बाद में जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च की तो पता चला कि ये बेहद दुर्लभ प्राकृतिक घटना थी, जो बरसाती पानी की वजह से घटित हुई। दरअसल बरसात के समय पानी के ऐसे कण जिनमें पर्याप्त गहराई और मात्रा होती है, वे रोशनी के संपर्क में आने के बाद आसमान को हरे रंग में रंग देते हैं।
यहाँ भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ था। ये वीडियो साउथ कोरिया का बताया जा रहा है। यहाँ लोगों को आसमान में ये अजीब सी रोशनी दिखाई दी, जो कभी तेज हो रही थी तो कभी धीमे। इस रोशनी को देखकर लोगों में दहशत का माहौल छा गया। कोई इसे यूएफओ बताने लगा तो कोई रहस्यमय चीज। लेकिन बाद में पता चला कि एक रॉकेट थी जिसे टेस्टिंग के लिए छोड़ा गया था। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के वो दुर्लभ रहस्य जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।